हेलो दोस्तों, AMRSE टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं VCD और VAV के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि VCD का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर, और VAV का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल एयर वॉल्यूम। तो आज हम आप लोग को बताएंगे VAV और VCD में दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे दोस्त लोग का रिक्वेस्ट था बताने के लिए। थ्योरी में हम आप लोगों को बता चुके हैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करके, बट आज हम आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं कि VAV और VCD कैसा रहता है, और साथ ही साथ हम आप लोगों को VFD के बारे में भी बताने वाले हैं, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, कि ये कैसे काम करती है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। ये जो देख रहे हैं ये हमारा एक HU है, ठीक है। ये HU में वहाँ पे आप देख रहे हैं वो VCD है। तो VCD को जो है ना, बेसिकली हम लोग जो है इसको एयर को बैलेंसिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपको बहुत सारी जगह सप्लाई में भी लगाया रहता है कहीं कहीं पे, और ये रिटर्न में भी है। तो ये HU का रिटर्न में लगाया है कि एयर का फ्लो का जो है ना कंट्रोल करने के लिए, समझ गए। इसके अंदर जो है परसेंटेज रहता है, कितना परसेंट ओपन करना है, क्लोज करना है, जो है ना ये मैनुअल ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली VCD जो है हमारा ये मैनुअल ऑपरेट होता है वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर, और VAV जो है ना हमारा वो ऑटो कंट्रोल होता है, वो हमारा डक्ट का सप्लाई में लगता है। डक्ट मेन डक्ट का जो ब्रांच निकलता है ना सब रूम में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस बीच में लगता है। तो चलिए उसके बारे में भी हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं उसका क्या फंक्शन। हाँ दोस्तों, तो ये हमारा VAV है। तो VAV का देखिए, जैसा कि आपको हम बताए थे कि वेरिएबल एयर वॉल्यूम इसका ये नाम होता है पूरा फुल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे लाइन जो देख रहे हैं, ठीक है, ये एयर फ्लो, इधर में आगे का फ्लो ये होगा, फिर आगे में उसका बाकी सारा कुछ कंट्रोल दिया हुआ है। ये हमारा थर्मोस्टेट है, देख रहे हैं ना, टेम्परेचर कंट्रोल, ये मिनिमम एंड मैक्सिमम। बहुत सारा जगह आपको डिजिटल देखने को मिलेगा, और ये हमारा जो है डिजिटल नहीं है, एनालॉग सिस्टम है। मतलब कि हैंड से ऑपरेट करके आप इसको ये करेंगे। इसमें यहाँ पर टेम्परेचर शो नहीं होगा, बहुत सारा जगह पर यहाँ पर डिस्प्ले में टेम्परेचर शो होता है, ये डिस्प्ले टाइप में ही है। ये जो आप VAV देख रहे हैं ना, अभी यहाँ पर ये देखिए, ये एक्चुएटर के साथ ये कनेक्टेड किया हुआ, अंदर में जो है ये एक्चुएटर है पूरा, ये जो हमारा एक्चुएटर है इसका इधर में यहाँ पे कंट्रोलर है, ठीक है। ये कंट्रोलर के अंदर वो फ्यूज़ वगैरह सब लगाया हुआ है, वो डिमांड, और इसको ऑपरेटर के उसका स्विच ऊपर में है, ठीक है, ऊपर में स्विच रहेगा। और ये कंट्रोलर जब हमारा टेम्परेचर आने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर आने के बाद जो है यहाँ से कमांड आता है एक्चुएटर को, और एक्चुएटर जो है अपना ये शाफ्ट के जरिए इसके अंदर डैम्पर रहता है, और डैम्पर को ओपन एंड क्लोज पोजिशन में ये करता है, समझ गए। और ये जो देख रहे हैं आगे मेन एक लाइन रहेगा, ये एक रूम है, कमरा है, तो मेन लाइन उधर, मेन लाइन से ये ब्रांच लाइन निकाल करके, और उसके बाद VAV को यहाँ पर बैठाया है। तो जितना VAV रहेगा ना, वो VAV का एक ये रहेगा, अपना थर्मोस्टेट रहेगा, और उसके हिसाब से काम करता है। तो ये हमारा ऑटो सिस्टम में काम करता है VAV जो है, और VCD जो है वो वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर, उसको हम लोग मैनुअल ऑपरेट करते हैं, और एयर बैलेंसिंग के लिए उसको यूज़ किया जाता है, और ये VAV को रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, समझ गए। तो ये हमारा डिफरेंस है VAV का और VCD का, ये दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। बाकी इसका फुल डिटेल्स आप देख सकते हैं, साइज कितना है, और बाकी चीज़ इसका वॉल्यूम सेटिंग कितना है, वो सब कुछ जो है इसका दिया रहेगा। एक चीज़ और हम आप लोगों को इसमें बताते चलें कि जहाँ पे भी VAV रहेगा वहाँ पर आपको VFD भी देखने को मिलेगा, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। ये जो है अपना VAV जैसे अपना फुल डैम्पर को जब क्लोज कर लेता है ना, तो एयर का प्रेशर जो है इनसाइड बढ़ जाता है, तो वो चीज़ कंट्रोलर जो है इसको सेंस करके और VFD को डिमांड देता है। तो जिसके जरिए क्या होता है कि जब हमारा मोटर स्टार्ट होता है तो बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी से धीरे 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 जो है मोटर का जो है स्पीड को बढ़ाता है। जैसा कि आप VFD में भी देख रहे हैं, ये फ्रिक्वेंसी को जो है 17, 18, 19, 20 इस तरह से, मतलब है जो ना धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा रहा है, जिसके जरिए हमारा मोटर भी सेफ रहेगा, उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, और वाइब्रेशन होने के बाद जो कुछ डिफेक्टिव होता है हमारा मोटर, तो वो भी हमारा सेफ हो जाता है। तो ये चीज़ बेनिफिट है। और दूसरा, हमारा जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही हमारा मोटर का RPM को बढ़ाएगा, उतना चलाएगा, तो जिसके जरिए हमारा जो है बिजली का बचत भी कम होगा, तो बिल भी हमारा कम आएगा। तो यही चीज़ था आज हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे VAV और VFD और VCD के बारे में।
तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी डाउट है, जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और भी हम इस टॉपिक पे हम अच्छे से आपको डिटेल्स में आपको बताएंगे, अलग अलग सेपरेट पार्ट करके भी, अपना VAB का, VFD का और VCD का, ठीक है। तो चलें, फिर आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।